सर्विसेज जासूसी कांड पर संसद में आज भी हंगामा, राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही 12 बजे तक के लिए स्थगित। राज्यसभा में विपक्ष ने लहराया पोस्टर, सभापति वेंकैया नायडू ने सांसदों के रवैये पर जताई नाराजगी। लोकसभा में भी प्रश्नकाल के दौरान मचा हंगामा, विपक्ष ने उठाई जासूसी कांड और किसान आंदोलन पर चर्चा की मांग। संसद की कार्यवाही से पहले विपक्षी नेताओं की बैठक, रणनीति पर चर्चा। संसद परिसर में पीएम ने ली कोर ग्रुप की बैठक, गृहमंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल भी शामिल। कर्नाटक के नए सीएम बने बसवराव बोम्मई, राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। पूर्व सीएम येदियुरप्पा भी रहे शपथ ग्रहण में मौजूद, बसवराव को दी मुख्यमंत्री बनने की बधाई। शपथ ग्रहण से पहले भगवान के दर पर पहुंचे बसवराव, बेंगलुरु के मारुति मंदिर में किया पूजा पाठ। पहुंची ममता बनर्जी, आज सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात, केजरीवाल और शरद पवार से भी होगी चर्चा। कल पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ममता ने की पेगासस जासूसी कांड की जांच की मांग, कहा सर्वदलीय बैठक बुलाए सरकार। असम में सीमा पर विवाद वाली जगह पर पहुंचने की कोशिश में कांग्रेस की टीम, दोलाई चेक पोस्ट के पास पुलिस ने रोका। सीमा विवाद पर गृहमंत्री ने पीएम से की बात, विवाद वाली जगह पर सीआरपीएफ की तैनाती। असम के शहीद पुलिस वालों को आखिरी विदाई, सिलचर में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने दी श्रद्धांजलि। भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने की एनएसए अजीत डोवाल से मुलाकात, आज विदेश मंत्री एस जयशंकर और पीएम मोदी से भी बैठक तय। कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही, अब तक 6 शव बरामद, 12 लोग बचाए गए, 25 अभी भी लापता। करगिल के खांडराल में आया फ्लैश फ्लड, बड़े इलाके में फैला मलबा। फ्लैश फ्लड से आया मलबा ले श्रीनगर हाईवे भी आया चपेट में। हिमाचल के लाहौल में बादल फटा, 6 से ज्यादा नदियों में आई बाढ़। फटने से बह गया जालमा पुल, लाहौल का केलोंग से कटा संपर्क। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा, बस और ट्रक की टक्कर में 18 मजदूरों की मौत। पलवल से बिहार जा रही थी बस, करीब 100 लोगों के सवार होने की खबर। अयोध्या लखनऊ हाईवे पर हुआ हादसा, ढाबे के पास खड़ी बस को तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर। 20 से ज्यादा यात्री जख्मी, लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में कराया गया भर्ती। बाराबंकी हादसे पर पीएम मोदी ने जताया शोक, पीएम रिलीफ फंड से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद का ऐलान। महाराष्ट्र के चिपलूण में पुल टूटने से पानी में घिरे 40 लोग, एनडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से टूट गया पुल, आने जाने के संपर्क खत्म। नवादा में भारी बारिश से बिगड़े हालात, अस्पताल और दुकानों में भरा पानी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पुलिया पार करते वक्त दर्दनाक हादसा, नाले के तेज बहाव में बह गई बाइक। हुए हादसे में पीछे बैठा बच्चा फिसला, 3 किलोमीटर दूर मिला शव। देश में 24 घंटे में 43,000 से ज्यादा कोरोना मामले, 640 मरीजों की मौत। केरल में नहीं रुक रही कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा नए मरीज। के बावजूद केरल में गाइडलाइन का पालन करने में कोताही, कोच्चि बस स्टैंड पर उमड़ी भीड़। होशियारपुर में निजी दफ्तर में घुसकर दर्दनाक, दर्जन भर हमलावरों ने की तोड़फोड़ और मारपीट, कांग्रेस पार्षद और समर्थकों पर लगा आरोप। आजमगढ़ में अवैध शराब फैक्ट्री पर छापा, भारी तादाद में नकली शराब और पैकिंग का सामान जब्त।
गोपालगंज में दो नाबालिगों ने फांसी लगाकर की खुदकुशी की कोशिश, ऑनलाइन गेम की लत पर दोनों के पिता ने लगाई थी फटकार। मैनपुरी में 40 दिन पहले दफनाए गए शव को पुलिस ने कब्र से निकाला, पीट पीट कर हत्या के आरोपों की दोबारा होगी जांच। कोलकाता में जूते के गोदाम में भड़की भीषण आग, दूर दूर तक दिखा धुएं का गुबार। बैडमिंटन में भारतीय पीवी सिंधु ने हांगकांग की चियोंग को दी सीधे गेम में मात, 21-9 21-16 से हराकर सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। भारतीय महिला हॉकी टीम मौजूदा चैंपियन ब्रिटेन के हाथों 1-4 से हारी, भारत के खाते में दर्ज हुई लगातार 3 हार। स्थगित किया गया भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा T20 मैच, कोरोना पॉजिटिव पाए गए ऑलराउंडर कृणाल पंड्या। आइसोलेशन में कृणाल के कॉन्टैक्ट में आए 8 भारतीय खिलाड़ी, सुरक्षित है श्रीलंकाई टीम। आज हो सकता है दूसरा T20 मैच, लेकिन खिलाड़ियों की नेगेटिव रिपोर्ट आने पर ही मैच के आसार।